गुड मॉर्निंग 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। सो आगे के न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करते हैं हम लोग साइंस का। तो सपोज लेट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम स्टार बी टी। प्रूव दैट इफ इट वॉज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 आर फ्रॉम द स्टार इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन विल बी √80। मतलब समझो ये एक प्लैनेट है और ये एक स्टार है एग्जाम्पल, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर। तब इसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मतलब इस स्टार को घूमने का पूरा गोल घूमने का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है टी। वैसे ही सिमिलर केस में अगर एक प्लैनेट इधर है और सपोज ये है स्टार और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 आर, तो पूरा घूमने का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन हमें प्रूव करना है, इट इज √80। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सो फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन वी हैव टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यही फॉर्मूला पढ़ा है हम लोग ने, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, राइट। तो यहां पर देखो डिस्टेंस क्या दिया है, टी के जगह पर क्या दिया हुआ है, कैपिटल टी, और आर के जगह पर कैपिटल आर। तो हम लोग सिर्फ बदल लेते हैं इसको, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब फॉर प्लैनेट फर्स्ट। अब इन सेकेंड केस डिस्टेंस इज 2 आर, देयरफॉर T1 स्क्वायर, मैं नया टाइम पीरियड पकड़ता हूँ दूसरे प्लैनेट के लिए, T1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 आर क्यूब, बराबर 2 आर का क्यूब होगा, क्योंकि इस बार आर के जगह पर क्या होगा, 2 आर होगा, पूरे 2 आर का क्यूब होगा, हाँ पूरे 2 आर का क्यूब, क्योंकि आर के जगह पर 2 आर आके बैठ रहा है और टी के जगह पर T1 न्यू प्लैनेट है। तो T1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8 आर क्यूब, राइट। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2, प्लैनेट 2। तो मैं क्या करता हूं, डिवाइड 2 एंड 1, तो T1 स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आर क्यूब बाय आर क्यूब, आर क्यूब कैंसिल, T1 स्क्वायर इक्वल्स टू 8T स्क्वायर, बराबर। तो T1 इक्वल्स टू √8T स्क्वायर, तो T1 इक्वल्स टू √8T स्क्वायर, रूट के बाहर निकल गया, तो न्यू प्लैनेट T1 हमारा टाइम पीरियड ऑफ न्यू प्लैनेट था, राइट ना। सेकेंड केस T1 टाइम पीरियड ऑफ न्यू प्लैनेट, तो T1 इक्वल्स टू √8T। क्लियर। प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट ए बॉल, लिखो ए बॉल फॉल्स फ्रॉम ए टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड
इन 1 सेकेंड. अज्यूमिंग स्मॉल g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन reaching the ground and the height of the table. तो देखो, what's the question is, a ball falls from a table and reaches the ground in 1 second. Assuming g equals to 10 meter per second square, calculate its speed on reaching the ground and height of the table. तो समझो, ये मेरा टेबल है, ठीक है? तो यहाँ से बॉल नीचे गिर रहा है ग्राउंड पर. तो कितना, बॉल फॉल्स फ्रॉम ए टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, मतलब जब वो गिरा तो इसको टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड. और जी को हमें क्या पकड़ना है, स्मॉल जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड. इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड ऑल्सो कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टेबल. ठीक है, शुरू करें. ओके, तो क्या क्या दिया हुआ है देखो. गिवन टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड, जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यू हमारे पास नहीं है, यहाँ पर ये बॉल यहाँ पर ही रुका हुआ है, राइट? इट इज स्टेबल ऑन द टेबल. तो देयरफॉर द इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड. What you have to find? Final velocity, right? So we have 3 equations, v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, v square minus u square equals to 2as. तो first वाला equation देखते हैं, छोटा वाला. u है, a के जगह पे हमें g पकड़ना है और t भी है, तो हम v मिल जाएगा. तो हम लोग first वाला use करते हैं. First, v equals to u plus at. Here, a equals to positive g. Positive g क्यों? Why positive g? पहले numerical में समझाया था, क्योंकि ये ball gravity के वजह से नीचे आ रहा है, ठीक है? Gravity के साथ, gravity के खिलाफ गया तो minus, gravity के साथ है तो positive. तो let us substitute. तो v equals to u plus gt. तो v equals to 0 plus 10 into 1, तो v equals to 10 meter per second. ये इसके final velocity, मतलब indirectly speed, ठीक है? 10 meter per second. Now let us calculate the height. Height मतलब distance. इन दोनों में से कोई भी formula use कर सकते हैं हम, ठीक है? तो शुरू करते हैं. Suppose s equals to ut plus half at square. at के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, gt स्क्वायर. s इक्वल्स टू 0 इंटू टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है देखो 1 plus half into 10 into 1 into 1, राइट? तो ये 2 और 10 कैंसिल 5, तो देयरफॉर h इक्वल्स टू 0 plus 5, h इक्वल्स टू 5 मीटर. सो हाइट ऑफ द टेबल is 5. Clear? समझा सबको इतना? Okay. Next. Last one. और ये बड़ा है. देखो, एंगल
एन ऑब्जेक्ट थ्रोन रुको एक मिनट तो लिखो एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स reaches a height of 500 meter. What was its initial velocity? How long will the object take to come back to Earth? Assume small g equals to 10 meter per second square. Okay, to say this. एक ऑब्जेक्ट है जिसको वर्टिकली ऊपर फेंका गया एट ए हाइट ऑफ 500 मीटर. व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी होगा जीरो, राइट? हाइट मतलब एस होगा 500 मीटर. तो कितना टाइम लगेगा उसको ऊपर से नीचे आने के लिए, ये टाइम हमें फाइंड आउट करना है. और हमें व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ओके ये भी एक पॉइंट है. तो हमें यू फाइंड आउट करना है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो है क्योंकि ये बॉल जब ऊपर पहुंचेगा तब वो रुक जाएगा, ठीक है. एंड ऑल्सो वी हैव जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड. वापिस बता रहा हूँ, हाइट है 500 मीटर, बॉल फेंका गया ऊपर जाने के बाद बॉल रुक जाता है इसलिए फाइनल वेलोसिटी जीरो पकड़ा, मैंने पहले गलती पकड़ा था. हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन में देखो व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है. हाइट हमारा 500 मीटर है, टाइम नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है. तो ये दोनों निकालना है, टाइम भी निकालना है हमें, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम. तो शुरू करते हैं. पहले v इक्वल्स टू u प्लस at, s equals to ut plus half at square, v square minus u square equals to 2s. लगते हैं कौन सा यूज होता है, पहला वाला छोटे से शुरुआत करेंगे. v है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, u नहीं है, a मतलब g है हमारे पास, t टाइम नहीं है, राइट? तो पहला वाला फेल. दूसरे वाले में भी s नहीं है और t नहीं है, दूसरा वाला भी फेल. तीसरा वाला देखते हैं, v square minus u square equals to 2as. इसके अंदर देखते हैं कि क्या नहीं है, और v square minus u square equals to 2s, यहाँ पर s है, डिस्टेंस है, बराबर आया ना? ये भी आपका लग सकता है, ये भी इससे भी कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि s है हमारे पास, डिस्टेंस है. तो शुरू करते हैं, v square minus u square equals to 2s. तो हमें फाइंड आउट करना था इनिशियल वेलोसिटी, राइट? यू फाइंड आउट करना है. तो वी स्क्वायर माइनस टू ए एस इक्वल्स टू यू स्क्वायर, इसको इधर लिया इसको इधर, तो जीरो स्क्वायर माइनस टू इन टू ए का वैल्यू माइनस टेन. माइनस टेन क्यों आया? बिकॉज हियर ए इक्वल्स टू माइनस जी. माइनस जी क्यों? क्योंकि बॉल ग्रेविटी के खिलाफ, माइनस जी इंटू एस, एस का वैल्यू 500 इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ओके. तो जीरो माइनस 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 प्लस 5 इंटू टू 10 एंड दैट टू बी 10,000 इक्वल्स टू यू स्क्वायर. Therefore, u square equals to 10,000, u equals to root of 10,000, u equals to 100. So, initial
वेलोसिटी इज 100 मीटर पर सेकेंड, हो गया। तो नाउ लेट अस कैलकुलेट द टाइम। किस क्वेश्चन में टाइम है, किस फॉर्मूले में? ऊपर वाले में भी है, नीचे वाले में भी है, छोटा वाला यूज करते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस c। तो लेट अस यू दिस, v इक्वल्स टू u प्लस at। सब्स्टिट्यूट, v कितना आया है हमारे पास, जीरो। u कितना है, 100 प्लस माइनस 10 इंटू टी, ये इधर चला जाए, 10 टी इक्वल्स टू 100, टी इक्वल्स टू 100 बाई 10, तो देयरफॉर टाइम इक्वल्स टू कितना लगा, 10 सेकेंड्स। तो ये क्या परफेक्ट 10 सेकेंड्स, ऊपर और नीचे नहीं है। नाउ से दिस, इसको ऊपर जाने के लिए 10 सेकेंड लगा, राइट? अब नीचे आने के लिए 10 सेकेंड लगेगा, देयरफॉर टोटल टाइम equals to time for going up plus time for coming down, 10 plus 10 equals to हो जाएगा 20 seconds। clear? I hope इतना समझा तुम लोगों को। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़े लंबे और लेंथी क्वेश्चंस रहेंगे। लिखो, द मास ऑफ अर्थ एंड मून आर 6 × 10⁻²⁴ kg एंड 7.4 × 10⁻²⁰ kg respectively। द डिस्टेंस बिटवीन them इज 3.8 × 10⁵ किलोमीटर। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू। यूज कैपिटल जी इक्वल्स टू 6.7 × 10⁻¹ⁱ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, तो समझो, दिस इज अर्थ, दिस इज मून। क्वेश्चन पढ़ो, द मास ऑफ अर्थ एंड मून, मास ऑफ अर्थ इक्वल्स टू 6 × 10⁴ kg, मास ऑफ मून इक्वल्स टू 7.4 × 10⁰² kg, बराबर। डिस्टेंस बिटवीन देम 3.8 × 10⁵ किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन देम 3.8 × 10⁵ किलोमीटर, लेकिन कोई भी किलोमीटर में कैलकुलेट नहीं होता, मीटर में कैलकुलेट होता है।
वन किलोमीटर इक्वल्स टू कितना मीटर, 1000 मीटर, 30 हो गया, तो 3.8 × 10⁸ मीटर, करेक्ट करेक्ट। और क्या वैल्यू दिया हुआ है, कैपिटल जी कितना दिया हुआ है, 6.7 × 10⁻¹¹, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना। कैलकुलेशन बड़ा है लेकिन फॉर्मूला सिंपल, एफ इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ m1 m2 / r2, m1 m2, ये वन है और ये टू है, इनडायरेक्टली अर्थ और मून है, बराबर। पुट करो एफ इक्वल्स 6.7 × 10⁻¹¹ इंटू 6 × 10⁴ इंटू 7.4 × 10⁻²² बाय आर स्क्वायर 3.8 × 10⁸, यही है ना, राइट, स्क्वायर है बोल के दो बार, 3.8 × 10⁸। तो चलो सारे पॉइंट को हटाने की कोशिश करते हैं, तो f इक्वल्स टू 6.7, इसको क्या लिख सकते हो मैं, 67 × 10⁻¹, कैसे लिखा वापस बताता हूँ, 6.7 कैन बी रिटन है 67/10, इसके ऊपर पावर नहीं है मतलब 10⁻¹, तो 67 × 10⁻¹, ईजी तरीका है कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है वो 10 का नेगेटिव पावर बन जाएगा, ठीक है, 67 × 10⁻¹ इंटू 10⁻¹¹ इंटू 6 को बदलने की जरूरत नहीं, 10⁻²⁴ इंटू 74 × 10⁻¹ इंटू 10⁻²⁰ होल डिवाइडेड बाय 3.8 को क्या लिख सकता हूँ, 38 × 10⁻¹ इंटू 10⁸, वापिस 38 × 10⁻¹ इंटू 10⁸, बराबर। तो f इक्वल्स टू सारे नंबर्स एक साथ ले लो, 67 6 इंटू 74 बाई, करेक्ट कि नहीं, ये देखो नंबर सारे नंबर्स एक साथ 67 6 74 होल नंबर में बदल लिया, 38 × 38 इंटू, अब 10 के पावर्स लिखते हैं हम लोग, 10 के पावर्स में क्या क्या आएगा, 10⁻¹, 10⁻¹¹, 10⁻²⁴, 10⁻¹, 10⁻²⁰, करेक्ट, बाय 10⁻¹, 10⁻¹, 10⁻¹ इंटू 10⁸। कटिंग शुरू करते हैं, 10⁻¹, 10⁻¹, 10⁻¹, 10⁻¹ कट, अब 10⁸ और 10⁸, 10⁻¹, 22 में से 16 गया तो बचा 6, बराबर, 24 और 6 30, करेक्ट, 30 में से 11 गया तो कितना बचा, 19, मतलब दिस इज इक्वल्स टू 38 × 38, 67 × 6 इंटू 74 इंटू 10⁻¹¹, ठीक है। तो देखो अभी भी पूरा नहीं हुआ, इसमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एफ इक्वल्स टू 67 इंटू 6 इंटू 74 मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा, देखो 67 इंटू 6 करेंगे तो आ रहा है मेरा 402, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 74, तो इंटू 74 करेंगे तो बनेगा
29748। ठीक है, डिवाइडेड बाय 38 into 38, तो 38 into 38 1444 into 10 raised to 19 एफ इक्वल्स टू। बहुत लंबा डिवीजन है और क्वेश्चन भी इसलिए बड़े मार्क्स का आने वाला है, 4 मार्क्स। 29748 डिवाइडेड बाय 1444 बन गया 20.60 into 10 raised to 19। बराबर, लेकिन फिजिक्स में कोई भी आंसर 0 से 10 के बीच में रहता है, तो F इक्वल्स टू पॉइंट को इधर शिफ्ट करते हैं, तो 2.6 into 10 raised to 20। देखो अगर मैं 10 raised to 20 बना दिया, एक इधर ले लिया, क्यों? क्योंकि मैंने इस साइड लेफ्ट लिया तो इधर 10 raised to 1 होगा, राइट ना? अगर जब लगे तो यहाँ से एक निकाल कर मल्टीप्लाई करो तो देखो 20.6 हो जाएगा, 19 कराना। ठीक है, तो 2.6 into 10 raised to 20। जब भी हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो यहाँ पर एक ऐड हो जाता है, जब हम राइट साइड में जाते हैं तो वहाँ पर माइनस हो जाता है। तो दिस इज द फाइनल आंसर, न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू। क्लियर? सो दिस इज एंड ऑफ द न्यूमेरिकल। ओके, बाकी का थियोरेटिकल क्वेश्चंस के मैं नोट सेंड करता हूँ और विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय एवरीवन।